नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर मात देकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया की इन दिनों खूब तारीफ हो रही है। कैप्टन विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले T20 सीरीज ड्रॉ कराई, उसके बाद 2-1 से टेस्ट जीता और फिर 2-1 से वनडे में भी शिकस्त दी। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में ये जीत पहली बार मिली है, जिसके लिए टीम इंडिया के साथ ही एग्रेसिव कैप्टन विराट की भी खूब तारीफ हो रही है। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने तो उनकी तुलना पीएम मोदी से कर दी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में पीएम मोदी को भारत का कप्तान बताते हुए ट्वीट किया है कि पीएम मोदी और विराट कोहली में काफी समानताएं हैं। दोनों ने ऐतिहासिक जीत दिलाई, दोनों ही निडर और साहसिक फैसले लेने वाले हैं, दोनों की काम करने की नैतिकता मजबूत है। पीएम मोदी और कोहली दोनों ही दूरदर्शी हैं, दोनों ही योजनाओं को जमीन पर उतारने को बेताब रहते हैं, दोनों के पास ही एक चतुर सलाहकार है, दोनों ही हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं, दोनों ही भारत को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2014 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार देश के विकास के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। अपने अब तक के कार्यकाल में मोदी सरकार ने नोटबंदी और GST जैसे कई बोल्ड फैसले लिए, तो वहीं राजनीतिक नफे नुकसान को किनारे करते हुए 3 तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए। हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में चतुर सलाहकार का भी जिक्र किया है, जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी, मोदी सरकार में NSA अजीत डोभाल की भूमिका की ओर इशारा कर रहा है। गोयनका के ट्वीट के मुताबिक कोहली और मोदी दोनों ने देश को नंबर वन बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि हाल ही में विराट कोहली का एक बयान आया था कि वो भारत को टेस्ट में टॉप पर देखना चाहते हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी भारत को विश्व में मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वैसे इन दोनों के सामने चुनौतियां भी लगभग एक ही है। पीएम मोदी जहां 5 साल बाद एक बार फिर 2019 के आम चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं कैप्टन विराट कोहली के सामने भी करीब 4 साल बाद इंग्लैंड एंड वेल्स में होने जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने की बड़ी चुनौती होगी।